हेलो दोस्तों, मैं सूरज वर्मा। जिंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम होने लगती है तो हम भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान ने हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, और छोटी छोटी गलतियों को लेकर हम अपने टारगेट को इग्नोर करने लगते हैं। ज़िंदगी में जब भी हम आगे बढ़ते हैं तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से हम अपने सपनों को त्याग देते हैं। दोस्तों, आज ऐसी शख्स की कहानी सुनाने वाला हूँ, ऐसे शख्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उस शख्स की कहानी, उसके ज़िंदगी में कितनी सारी प्रॉब्लम है। आप सोच सकते हो, जिस इंसान के हाथ पैर नहीं होते वो इंसान काम कैसे कर सकता है, वो दुनिया में इतनी बड़ी मुकाम, इतनी बड़ी सक्सेस कैसे पा सकता है। आप सोच भी सकते हो, हम सब इंसानों के पास सारी चीज़ें, हाथ पैर सब कुछ है, फिर भी हम अपने बहानों को लेकर इतना ज़्यादा व्यस्त रहते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही नहीं। हर एक चीज़ के लिए प्रॉब्लम होती है, हर इंसान के ज़िंदगी में प्रॉब्लम होती है। कोई इंसान उसी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझकर अपने टारगेट को हिट करता है, कोई उस प्रॉब्लम से डर कर अपने सपनों को त्याग देता है। इस बंदे का जन्म 1982 ईस्वी में हुआ ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो एक्चुअली ये लीबिया के रहने वाले थे, लेकिन बाद में ये ऑस्ट्रेलिया में आके बस गए। ये अपने माता पिता के साथ रहता था। जब इस बच्चे का जन्म हुआ था तो उस टाइम इसके हाथ पैर नहीं थे, एक भयंकर बीमारी से पीड़ित थे। उस बीमारी का नाम था टेट्रा अमेलिया सिंड्रोम। यह एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान का अगर पैर होता है तो हाथ पांव काम नहीं करते, या होता ही नहीं। इस इंसान के पास ना हाथ थे ना पांव थे, बस वैसे ही इंसान ये पैदा हुआ था। जब नर्स ने इस बच्चे को उसकी माँ की गोद में दिया तो उस माँ ने अपनी बेटी को गोद में लेने से भी इनकार कर दिया, यहाँ तक कि देखने से भी मना कर दिया कि मैं देखूंगी नहीं। लेकिन वक्त गुजरता रहा, फिर इसके माँ बाप ने इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया। जब ये कुछ बड़ा हुआ, 4-5 साल का हुआ, तो जब ये स्कूल जाने की बारी आई तब भी इसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम भी आने लगी। हाथ पांव के रूप में तो कुछ नहीं था, बस इसके पांव में छोटी छोटी 2 उंगलियां थी, पांव जैसा, एक चिकन की तरह जो है छटपटाती थी। उस उंगलियों को पहले जो चिपकी रहती थी, फिर इसके माँ बाप ने थोड़ा ऑपरेशन करवा के उन उंगलियों को थोड़ा अच्छे से करवा दिया। वो इसलिए करवाया ताकि ये अपनी ज़िंदगी में कुछ इस उंगलियों का कुछ प्रयोग कर सके। उसकी वजह से पुस्तक की पृष्ठ को पलट सके और कीबोर्ड चला सके, स्मार्टफोन, ETC, कुछ भी अपना काम, अपनी जरूरत की चीज़ों को ये कर सके। तो वक्त गुजरता रहा, 4-5 साल की जब ये उम्र हुआ तो जब इसका एडमिशन एक स्कूल में हुआ तो वहाँ पर इसकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम की घड़ी अब चालू हो चुकी थी। हर बच्चे इसे नफरत करते थे, कोई इसे देखना नहीं चाहता था, मजाक उड़ाते थे इस बच्चे का, क्योंकि इसके हाथ पाँव नहीं थे। ये इतना ज़्यादा डिमोटिव हो चुका था कि अपनी ज़िंदगी को त्याग देना चाहता था। 10 साल की उम्र में सुसाइड करने के लिए गया, ये एक पानी के टब में कूद गया था, लेकिन बहुत शिद्दत के बाद इसकी जान बची। फिर इसकी माँ ने इस बच्चे को एक लेख दिया, 12-13 साल की उम्र में इस बच्चे को एक लेख दिया, और उस लेख में कुछ एक विकलांग इंसान के बारे में लिखा था, जिस इंसान ने इतनी बड़ी समस्याओं को लेकर अपने सक्सेस के रास्ते को प्राप्त किया था। इस बच्चे ने उस शख्स की कहानी को पढ़ा और अपने अंदर यह बैठा लिया कि मैं भी अब इस दुनिया में कुछ बड़ा करके जाऊँ। फिर उस बच्चे की ज़िंदगी चालू हुई वहाँ से। एक टर्निंग पॉइंट था जब ये सुसाइड करने के बाद ये लिख पढ़ा। दोस्तों, इस बच्चे की ज़िंदगी जिस तरह थी, न इसके हाथ थे न पाँव थे, इस तरह पूरी धरती पर सिर्फ 7 लोग मिलते, उसमें से यह एक था। फिर इसने 21 साल की उम्र में एक विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया, वहाँ पर स्नातक की डिग्री। फिर उसके बाद इसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट तो पहले ही चालू हो चुका था, पर इसने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी। इसने सोच रखा था कि अगर मुझ जैसे विकलांग इंसान कभी आदर इंसानों को अगर इंस्पायर करने लगे उनके सपनों के लिए, तो कितना बड़ा जलवा होगा। इस बच्चे से बात करने पर ये पता चलता है, हमेशा इस बंदे ने एक ही इंसान को सिरे दिया। इसने कहा कि जो भी हमारी ज़िंदगी में अभी तक हुआ है, इस सब की दुआ भगवान को जाती है। हमारी ज़िंदगी में उन सभी इंसानों से जिससे आज तक मिला हूँ, जिसने आज तक मुझे देखा है या सुना, मेरे रिश्तेदार, हर एक फ्रेंड, सबको मैं ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। सबसे मैं इंस्पायर हुआ हूँ, सब ने मेरी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, सभी लोगों ने मेरी हेल्प की। आज मैं एक अलग सपना देख रहा हूँ लोगों को इंस्पायर करने के लिए। इस धरती पर इतने सारे विकलांग इंसान हैं, उन सब की मैं हेल्प करना चाहता हूँ। फिर इसने एक अलग ही रास्ता चुना, कहा कि मैं दुनिया को मोटिवेट करने के लिए एक ऐसा शख्स बनूंगा जिसे हर कोई देखना चाहेगा और सुनना चाहेगा और अपने सपने को साकार करना चाहेगा।
बचपन में जब इसकी उंगलियां काम नहीं करती थी तो इसके माँ बाप ने एक ऑपरेशन करवाया था। उस टाइम एक प्लास्टिक भी ऐसा कुछ लगवा दिया था प्लास्टिक जैसा, ताकि एक पेशेंट को पकड़ सके, उसे लिख सके, कीबोर्ड चला सके। इस बंदे की एक खास खूबी है, इसने दुनिया में वो सारे काम किए हैं जिसे आज तक हमने सोचा नहीं। इस बंदे ने फुटबॉल खेलता है, वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, स्विमिंग करता है, स्कूबा ड्राइविंग करता है, स्काई ड्राइविंग करता है, हर एक काम करता है। और हम सब ऐसे इंसान हैं कि हम सबके पास सारा कुछ होने के बावजूद भी हम बहानों में लगे रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं। छोटी छोटी प्रॉब्लम आ जाती है तो भगवान को दोष देने लगते हैं, हमारी ज़िंदगी तो झंड कर, अब क्या करूँगा हम इस ज़िंदगी। दोस्तों, इस बंदे के पास कुछ ना होने के बावजूद भी इस दुनिया में वो सारे काम किए जिसे हम सोच भी नहीं सकते। इस बंदे ने लोगों को इंस्पायर करने के लिए एक कंपनी स्टार्ट की, एटीट्यूड दी एटीट्यूड। ये एक ऐसी कंपनी है जो बिना प्रॉफिटेबल काम करती है, यहाँ लोगों को इंस्पायर करने के लिए काम करती है। मैं जिस शख्स की बात कर रहा हूँ, इस शख्स का नाम था निक बेजिक। ये एक ऐसा ही शख्स हुआ जो विकलांग की दुनिया में, अगर विकलांग पर्सन से कंपेयर किया जाए तो इसके पास कुछ नहीं था, न इसके पास हाथ थे न पाँव थे, बस एक छोटा सा बॉडी था। उसी के जरिए इसने दुनिया में बहुत बड़े काम किए। इसका करियर की स्टार्ट 2005 में हुई। उसने एक लिम्बा लाइव विदाउट लिम्बा एक कंपनी की स्थापना, हर लोगों को इंस्पायर करता है। इसने अभी तक 60 से ज़्यादा देशों को में जाकर लोगों को इंस्पायर किया है, लोगों को मोटिवेट करता है। या कि ऐसा शख्स हुआ है जो विकलांगों की दुनिया में हर किसी को मोटिवेट करता आ रहा है, हम सबको भी मोटिवेट करता है। निक ने 2010 में लघु फिल्म में भी काम किया। फर्स्ट इंडिपेंडेंस फिल्म में भी इसने एक अभिनय का काम किया और इसमें जिसकी वजह से फर्स्ट अभिनेता का अवार्ड भी मिला था। इस शख्स की जिंदगी की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो ये 2002 से लेकर 2008 में ये ऑस्ट्रेलिया गया। 2002 में इस शख्स ने कैलिफोर्निया में अपना स्थान बनाया। 2008 में इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसका नाम केनिया मेरिया था। 2012 में उस केनिया मेरिया से निक ने शादी कर ली और आज के टाइम पे निक के 4 बच्चे हैं। दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान के ज़िंदगी में प्रॉब्लम आती है, पर निक के ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम आई ऐसी प्रॉब्लम किसी की ज़िंदगी नहीं आई। निक ने बहुत सारी पुस्तकों को भी लिखा, जिसमें से एक पुस्तक निक की पहली पुस्तक इन्होंने लिखी थी लाइफ विदाउट लिमिट। यह एक ऐसी पुस्तक थी जिसे 30 भाषाओं में कन्वर्ट किया गया और 30 से ज़्यादा देशों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दोस्तों, इस तरह की सारी बुकों को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन बुकों को पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे विकलांग इंसान पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने इस प्रॉब्लम को कभी भी भगवान को दोष नहीं दिया। उसने उन सभी लोगों ने एक अनिश्चित कार्य को जो नामुमकिन था उसे मुमकिन करके दिखाया। हम सबके पास तो सारा कुछ है, ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, फिर भी हम रोने बैठ जाते हैं, बहाना करने बैठ जाते हैं। दोस्तों, इन बहानों को छोड़ो और लग जाओ अपने सपनों के पीछे। जब तक हम अपने सपनों के पीछे पूरी समर्पित से काम नहीं करेंगे, तब तक वो सपना भी हमसे बहुत दूर रहेगा। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। जब निक जैसे इंसान जो है दुनिया को इंस्पायर कर सकते हैं, अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं, तो हम सबके पास तो सारा कुछ है, हम क्यों नहीं कर सकते। हम भी करेंगे और आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जीत हमारी हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.